हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको इस जग को दो तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। फर्स्ट है ये वाला तरीका, ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में, बट अब मैं आपको दूसरे तरीके से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। पहले हम लिप्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मुझे ये एक सिलेंडर दिख रहा है ऊपर से। तो लिप्स अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर हम नीचे के लिप्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि नीचे से भी ये एक सिलेंडर है। अब अगर हम इसको दो भागों में देखें तो ऊपर भी सिलेंडर जैसा शेप है और नीचे भी। अब मैं इन दोनों को लाइन से मिला रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है तो हमारी लाइन भी स्ट्रेट नहीं होगी। बट डोंट ड्रैग द लाइन, लाइन को पूरी तरह से एक साथ नहीं खींचना है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बनाओ, जिससे कि ईजी रहेगा। और ये हमारा बॉटम पार्ट, जो नीचे का हिस्सा है वो ड्रॉ करेंगे। ये लिप्स यहाँ ड्रॉ किए मैंने, और इसके अकॉर्डिंग अब ये बॉटम पार्ट बना रही हूँ। इस तरह से हम राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे। अब सबसे नीचे का जो पार्ट है उसमें भी सिलेंडर ही है, जो एक आड़ा रखा हुआ सिलेंडर समझिए। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से दोनों को मिला दो। और अब साइड से ये एक राउंड, ये भी एक थोड़ा पिंच हुआ सिलेंडर ही समझो। बेसिकली हम सारे शेप, जो सारे जो फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सभी कुछ एक फॉर्म्स हम अगर सीख लें तो उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं ये हैंडल बनाती हूँ, इसके लिए भी ये भी एक पिंच हुआ सिलेंडर ही है। ओह, बहुत सारे सिलेंडर हो गए, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ऐसे फिर एक रेक्टेंगुलर, और उसको थोड़ा मोड़ देंगे। चीजों को हमेशा सिंप्लीफाई करके देखो, जैसा है वैसा लाइन खींचने के बजाय उनको कैसे सिंपल फॉर्म्स में देख सकते हो, उस तरह से देखो। ऐसे देखने से हमें अच्छे से समझ में ये मैं फिनिशिंग, दिस इज आल्सो अ लाइन सिलेंडर, टॉप ऑफ इट स्टैंडिंग सिलेंडर, देन वन मोर सर्कल, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं जस्ट इसको ठीक कर लेती हूँ साइड वाले पार्ट को। मैं कंफ्यूज हूँ कि ये बॉक्स है या सिलेंडर। ओके, इसको बेंड कर देते हैं, और ये लाइन मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, एक और एक। अभी मैं जो हमारी मेन लाइंस हैं उनको डार्क कर देती हूँ। I'll take this softer and thicker pencil and
डार्क द लाइन्स विच आई वॉन्ट, ये सारी लाइन जो इस शेप को डिफाइन करती है वो मैं डार्क कर देती हूँ। सो बेसिकली हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम इस फॉर्म को, जो भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरह से सिंपल फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन फॉर्म मेन हैं, बॉक्स, सफेयर या बॉल और सिलेंडर और कौन भी। मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि इनको कैसे ड्रॉ करें और इनको करने के सीखने के बाद हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग सिंप्लीफाई करके ऐसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से डार्क कर देती हूँ ताकि ये दिखाई दे। देखिए अब आपको शेप अच्छे से समझ में आएगा। जो बीच का पार्ट है जो हमने लिप्स बनाए वो हमें डार्क नहीं करना, बस ये साइड्स। अब इस पार्ट को भी डार्क कर देते हैं। अगर आप फॉर्म्स बनाना सीख लो तो कोई भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करके फॉर्म्स में और इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी इजी। अब ये क्लियर है, ये भी डार्क कर देती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे दूसरे आर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।